हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज के कवर होने वाले टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज तीन या चार नंबर्स का HCF LCM निकालना, और उसके बाद दो नंबर AB और उनके HCF LCM के बीच रिलेशन। ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर होने वाले हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने दो नंबर्स का HCF और LCM निकालना सीखा था, तो ऐसे ही आज हम थ्री और फोर नंबर दो, एक क्वेश्चन लेंगे थ्री नंबर्स का और एक क्वेश्चन लेंगे फोर नंबर्स का। तो और उन दोनों क्वेश्चंस के हम HCF LCM निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास तीन नंबर 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के अलग अलग फैक्टर। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2, 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 2 × 3 × 2। 15 का 3 × 5, 21 का 3 × 7, तो आप 7 × 3 भी लिख सकते हैं। चलिए, HCF क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। तो 2 देखते हैं, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हुआ। 3 कॉमन है, तीनों में आ रहा है। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल इसमें है। तो केवल एक 3 ही है ऐसा जो तीनों के फैक्टर में कॉमन है। अच्छा, 3, अब इस 3 की लोएस्ट पावर, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 आ गए यहाँ पर, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो ये है 3, 12, 15 और 21 का HCF LCM। तो पहले हम पहले नंबर का, जो पहले नंबर में प्राइम नंबर यूज़ हो रहे हैं, उनको लिखेंगे 2 2 3। 2 चूँकि दो बार है तो एक बार ही लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 5 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब बारी है 5 की। थर्ड में 3 × 7 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बचा 7। अब 2 की, अब LCM में हम लेते हैं कॉमन टर्म्स की हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है तो जो पावर है उसकी वही ली जाएगी। अब देखो 7 है, 7 अकेला है और पावर भी 1 चल रही है, तो 7 लिख दिया। ऐसी 5 कॉमन नहीं, केवल इसमें आ रहा है, 5 लिख दिया। 3 तीनों में आ रहा है और तीनों की ही पावर 1 1 चल रही है, 3 लिख दिया। अब 2, अब 2 केवल इसमें है और 2 की पावर 2 चल रही है, तो यही 2 होगी, 2 की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 × 3 × 5 × 7, 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 7 जा 4 20। तो 3 आया इसका HCF और 420 आया इसका LCM। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमको चार नंबर दे रखे हैं, तो हमने इन चारों नंबर का 1 by 1 फैक्टराइज किया। 21 का 3 × 7, 28 का 2 × 2 × 7, 36 का 3 × 2 × 2 × 3 और 45 का 3 × 3 × 5 HCF। अब HCF में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नंबर क्या रहा है। 7 3 इसमें नहीं है, नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब देखिए, जब एक नंबर, हम जब कोई एक नंबर कॉमन नहीं है तो फिर हम आगे नहीं देखेंगे। फिर उस केस में जो कॉमन चीज निकल के आएगी वो होगा 1। एक 1 ही ऐसा नंबर है जो चारों नंबर के फैक्टर में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया HCF इसका 1। अब LCM में, तो जिस क्वेश्चन में कोई भी चीज कॉमन निकल के ना आए
उस केस में जो एस सी एफ होगा वो हमेशा वन होगा। एल सी एम 3 × 7, इसमें 2 × 2, मतलब उसको क्या लिख दें, 2 की पावर 2 × 7, यहाँ पर 3 और 2 हैं, 3 और 2 हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं आएंगे। 45, 3 और 5 है, 3 लिख चुके हैं, केवल 5 नहीं है तो 5 लिख दिया। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 3² × 2² × 1 हो जाएगा 36 में। 7 की हाईएस्ट पावर 1 चल रही है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 चल रही है और 5 की 1 चल रही है। तो अब सॉल्व करते हैं, 9 × 7 × 4 × 5, 5 × 4 = 20, 27 = 140 और 149 = 1260। ये है 21, 28, 36, 45 का एस सी एफ 1 और एल सी एम 1260। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे नंबर 3 दिए हों, 2 दिए हों या 5 दिए हों, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। चलिए अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एस सी एफ एंड एल सी एम, किसका, दो नंबर ए और बी का। वो हमने कोई दो नंबर ए और बी मान लिए, आप पी क्यू सी डी कुछ भी ले सकते हैं, और इसको फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे वैसे ये क्या रिलेशन है, पहले वो देखते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट, जो भी आपने दो नंबर लिए हैं, हमने यहाँ पर ए और बी लिए हैं, तो दो नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, इन दोनों नंबर के एस सी एफ और दोनों नंबर के एल सी एम के प्रोडक्ट के बराबर। ये है वो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एस सी एफ एंड एल सी एम एंड टू नंबर ए एंड बी। तो एस सी एफ भी इन दोनों नंबर्स का है, एल सी एम भी इन दोनों नंबर्स का है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो हमेशा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एक तो हम ले लेते हैं नंबर 14 और एक ले लेते हैं 6। तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 7 और 6 के होंगे 2 × 3। तो एस सी एफ क्या आएगा, 2, और एल सी एम क्या आएगा, 2 × 7 × 3, 42। ठीक है, चलिए तो दो नंबर क्या आते हैं, 14 और 6, तो हमने किया इन दोनों का प्रोडक्ट, 14 × 6 इक्वल टू, एस सी एफ कितना आया था इनका, 2, और एल सी एम आया 42। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 = 24, कैरी लगा 2, 6 × 1 = 6 + 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। तो दोनों साइड सेम आ गई, इसका मतलब ये रिलेशन हमेशा सक्सेसफुल होगा। और एक बात, ये रिलेशन केवल दो ही नंबर्स के लिए है, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, एक्सरसाइज 1.1 जो नई बुक के अकॉर्डिंग है, और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको 140, 156, 3825 इसके फैक्टर करने हैं इस तरीके से, जैसे हमने ये किए हैं। तो यहाँ पर आपको उनको ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक तो हमें एल सी एम एस सी एफ निकालना है, तीनों पार्ट्स में दोनों जो भी नंबर दिए गए हैं, उसके बाद जो एस सी एफ एल सी एम निकलेगा उसकी हेल्प से हम ये वेरीफाई करेंगे कि एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ
ये किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए इंटू बी के, जो हमने ये रहा ये वाला। थर्ड में हमें तीनों पार्ट्स में तीन तीन नंबर दिए गए हैं और हमें HCF LCM निकालना है। फोर्थ पार्ट में हमें दो नंबर दिए गए हैं, उनका HCF दिया है, LCM पूछा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में ये पूछा है कि 6n और जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, क्या वो नंबर जीरो पर ख़त्म होगा, मतलब जो यूनिट प्लेस होती है, वंस प्लेस होता है, क्या उसमें जीरो आएगा। सिक्स में ये पूछा है कि क्यों ये और ये कंपोजिट नंबर हैं और एक है वर्ड प्रॉब्लम, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे के सारे क्वेश्चन उस लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।